हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इफ टू डैश cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a। अब इसमें ये क्या है कि तीन है, ये 1 2 3, न्यूमरेटर में कितने टर्म्स हैं, 3, और नीचे 3 है। तो इसमें अगर ये 3 टर्म्स हैं तो इसे आपको cot बनाना है। क्या बनाना है? cot। इसको क्या बनाना है? आपको cot बनाना है। और cot कब बनेगा? cot बनेगा cos a अपॉन sin a, तभी बनेगा। cot a क्या होता है बोलो? cot a आपने पढ़ा है, cot a इक्वल टू होता है cos a अपॉन sin a। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़ रखा है। तो इसलिए हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर nr न्यूमरेटर dr डिनोमिनेटर बाय cos बाय sin theta, किससे डिवाइड करेंगे? sin theta से। तो देखिए आप यहां से cos a sin theta ने यहां पर a लिख दो, इसे क्या लिखेंगे? एंगल a है तो इसे a कर दो sin a। कैसे? हम एंगल a है sin a से डिवाइड करेंगे। देखिए आप पूरी निगाह यहां बोर्ड पे होनी चाहिए। cos a अपॉन cos a अपॉन sin a, इसको भी डिवाइड करो। sin a अपॉन cos a, इसे भी डिवाइड करो। 1 अपॉन cos a, ये आ गया। अब यहां पर डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो। cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन cos a, इसको भी डिवाइड करो। माइनस 1 अपॉन cos a। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a, तो 1 अपॉन cos a क्या होगा? 1 अपॉन cos a होता है sec a। क्या होता है? sec a। अब यहां से cos a cos कट गया, नहीं सॉरी ये कटेगा नहीं, cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a। तो यहां से cos a अपॉन sin a बन जाएगा आपका cot a, ये कटा नहीं है सॉरी। और यहां पर sin a से डिवाइड कर रहे थे हम, किससे डिवाइड कर रहे थे? sin a से। ये गलत हो गया, पूरा गलत हो गया, पूरा ही गलत हो गया। देखिए आप यहां से क्या गलती हुई है, इसे देखिए आप, हमें sin a से डिवाइड करना है तो यहां cos a अपॉन sin a आएगा, ये मिस्टेक थी। और यहां पर क्या आएगा? sin a, हम डिवाइड कर रहे हैं sin a से, तो sin a आ गया, इसे भी sin a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ sin a आ गया। सिमिलरली cos a के नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा sin a, तो यहाँ पर भी sin a के नीचे क्या आएगा? sin a अपॉन sin a। जरा ध्यान से देखना प्रॉपरली इसको, 1 अपॉन sin a, ये आ गया। अब हमारा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये लग गया कि हमने क्या यूज किया, अब आगे यूज करेंगे हम इसको, 1 अपॉन sin a, 1 अपॉन sin a ये हो जाएगा cosec a। क्या आ जाएगा? cosec a इधर आना है, तो यहाँ से sin a से sin a कट जाएगा और sin a से sin a कट जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या देखेंगे हम इसको, क्या दबाना है, अब यहाँ से देखिए। अब आप अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने ये अभी हमने ऊपर लिखा था cos a अपॉन sin a, ये बन जाएगा क्या? cot a, ये कट के माइनस 1, ये कट के माइनस 1, 1 अपॉन sin a कितना लिखा है आपने? cosec a, ये cosec a। सिमिलरली यहाँ पर cos a अपॉन sin a cot a प्लस 1 आएगा, माइनस 1 अपॉन sin a क्या होता है? cosec a। अब आप क्या करो, cosec a को पहले लिखिए cosec a, फिर cot a को लिखिए आप, और फिर माइनस 1 को लिखिए, ऑर्डर चेंज कर दिया। ये एडिटिव लिखा रहने दो, वो इसमें डिनोमिनेटर में cot a प्लस 1 माइनस cosec a आएगा। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? cosec a प्लस cot a माइनस 1 अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec a, तो ऊपर डिवाइड नहीं
करना पड़ेगा। यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है, पूछा जाता है एग्जाम में। और कोसेक ए की जगह आपका सेक ए हो सकता है, सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन, यहाँ पर टेन ए प्लस वन माइनस सेक ए, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रॉपरली पहले समझ लीजिए, नोट बाद में करिए। अब हम यहाँ पर देखिए, एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, ध्यान से देखिए क्या पढ़ा है। यहाँ पर कॉट और कॉस का रिलेशन, यहाँ पर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये रिलेशन होता है। अब इसमें कोसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए इधर आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू वन। ये पूरी आइडेंटिटी का निचोड़ है, ये पूरी आइडेंटिटी को कन्वर्ट कर दिया। कोसेक स्क्वायर ए होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर का हमने ट्रांसफर कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया, ए प्लस बी ए माइनस बी, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। हमने कहा था कि इसको छेड़ना नहीं है, इसको एज इट इज रखना है, इसको एज इट इज रखना है, केवल इसको वन को बदलो, न्यूमरेटर में किसको बदलो, वन को। अब इसे कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख दो, तो ये क्या आएगा जल्दी बोलो, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये आ गया आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये इसे ब्रैकेट में लगा दो, किसमें लगा दिया आपने, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं आप। वन की जगह क्या लिखना है आपको, वन की जगह ये लिख देना है आपको, माइनस लगाओ, वन की जगह क्या पुट करोगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो, कोसेक ए माइनस कॉट ए, कॉट ए। और हमने कहा था कि डिनोमिनेटर को नहीं छोड़ना, छेड़ना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है। ये क्या आएगा, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ये आ जाएगा। अब हम इसे आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, देखिए अब इसमें आपको क्लियरली कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए आपको कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से आप कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, यहां पर ये कॉमन ले लीजिए, यहां पर कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया, यहां से बड़ा ब्रैकेट, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन चला गया, तो यहां से कुछ नहीं बचेगा, वन बचेगा, वन तो सब में मल्टीप्लाई होता है, तो वन बचेगा, यहां से माइनस बचेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन चला गया, यहां पर देखिए क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, ब्रैकेट यहां भी लगाना है, ब्रैकेट यहां भी लगाना है, नहीं तो इसका मीनिंग अलग निकलेगा। हमने एक बात आपसे कही थी कि डिनोमिनेटर को अनचेंज रखना है, कोई चेंज मत करो, क्या आएगा यहां पर, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब एक स्टेप और चलना है, बस क्या करना है आपको, कोसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज ब्रैकेट को ओपन कर दो, वन माइनस कोसेक ए, माइनस माइनस यहां भूल मत जाना, प्लस हो जाता है, ये मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं, नीचे एज इट इज कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, जरा आप अपने एंगल से देखिए, वन माइनस कोसेक ए, वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों सिमिलर है, एक जैसे हैं, सेम है, तो ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या मिला आपको, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था आपको, पूरे आइडेंटिटी में आपको यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था आपको, देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए ये करना था, तो आपने क्या रास्ता अपनाया कि कोसेक ए कॉट ए में चेंज करना है, तो हमने साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया था, साइन ए कट दिया था, कोसे साइन ए कॉट ए होता था, वन आ गया, वन अपॉन साइन ए कोसेक ए होता है, ये बदल गया, हमने फिर सिर्फ वन को बदला, वन को क्या लिख दिया हमने, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये फिर वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, इसके बाद कोसेक ए प्लस कॉट ए को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में वन माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा,
ओपन किया इस ब्रैकेट को, ये पूरा टर्म कट गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोसेक के प्लस कोट जे बचा, इजी राइट हैंड साइड का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से करिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर